हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा अलग अलग रेसिपीज लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी स्किन के लिए बहुत ही एक यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। हम सबको ऑरेंज जूस तो बहुत पसंद है, उसमें विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, इसमें फाइबर होता है। लेकिन हम जूस पी लेते हैं लेकिन ऊपर का छिलका फेंक देते हैं। उस ऑरेंज के छिलके को आप फेंके नहीं, उसको आप इस तरह से पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक बन सकता है। ये ऑरेंज पाउडर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। उस ऑरेंज पाउडर में आप घर की चीज़ें मिक्स करके अलग अलग तरह के फेस पैक बनाकर आपकी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, आपके चेहरे पर चमक ला सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ऑरेंज पाउडर कैसे बनाते हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो हमें इस तरह से बहुत ही फ्रेश संतरे मार्केट से लाने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश है, और इसका ऊपर का हम छिलका निकाल कर अंदर का जो संतरा है हम यूज़ करेंगे खाने में। आप चाहे तो आप संतरा ऐसे ही खा सकते हैं, उसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाएगा। या तो आप इसका जूस निकाल कर आप पी सकते हो, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। और इस छिलके को आपको निकाल कर धूप में कम से कम 8 से 15 दिन सुखा लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ये छिलका धूप में अच्छे से सुखा लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे ये संतरे के छिलके अच्छे से धूप में सूख गए हैं, तो इसके लिए मुझे 10-15 दिन लगे हैं। तो आप इसको अच्छे से सुखा लेना है आपको। तो पहले हमें लेना है इस तरह से एक मिक्सी का जार, और इसको हमें इस मिक्सी के जार में इस संतरे के छिलके को जो सूखे हैं उसको तोड़कर इसमें ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस संतरे के छिलके के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं तो मच्छर को दूर भगाने के लिए इसका बहुत ही उपयोग होता है। आपको इस संतरे के छिलके को जलाकर आपके घर में धुआं कर लेना है, उससे जो मच्छर है दूर भाग जाएंगे। उससे आपके बालों के लिए भी बहुत फायदा होता है। आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो ये पाउडर और दही का अच्छे से मिक्स करके मसाज कर लेना है आपके बालों के लिए। तो उसको मैं पाउडर बना लूँगी अब। तो गाइस, यहाँ पे हमने संतरे के छिलके का पाउडर बना लिया है। तो आपको इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है, ताकि आप इसको फेशियल के तौर पर यूज़ कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल पाउडर बना लेना है आपको। अगर आपके संतरे के छिलके अच्छे से सूख चुके हैं तो इस तरह से बिल्कुल पाउडर बन जाएगा इसका। तो इस पाउडर को आपको बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देना है, ताकि इसमें से जो खुशबू है संतरे की वो निकल ना जाए। तो मैं यहाँ पे इस संतरे के छिलके के पाउडर को स्टोर करके रख दूंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होता ये। तो गाइस, इस संतरे के पाउडर के बहुत सारे फायदे हैं आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है, अगर आपके स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हो चुके हैं, तो इस संतरे के पाउडर में आपको थोड़ा सा शहद मिक्स करके आपके चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। अगर आपको बहुत देर तक धूप में काम करना पड़ता है और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है बर्न हो चुकी है, तो इस संतरे के पाउडर में आपको थोड़ा सा दही और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करके आपके चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। उससे आपकी जो स्किन है ग्लो करने लगेगी और शाइन आ जाएगा आपकी स्किन पर। अगर आपके आँखों के नीचे कालापन आ चुका है तो इस संतरे के पाउडर में आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके लगा लेना है, उससे जो आपकी आँखों के नीचे की झुर्रियाँ है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं आपकी स्किन के। और गाइस, अगर आपके फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रख रख कर फ्रिज में से स्मेल आ रही है, तो आपको इस संतरे के छिलके को फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए, उससे आपकी फ्रिज में जो स्मेल आती है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से संतरे के छिलके के बहुत सारे फायदे हैं। तो गाइस, इस तरह से इस संतरे के छिलके को आपको अलग अलग तरह से फेशियल के पैक बनाकर आपको चेहरे पर यूज़ कर लेना है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय।